चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। जिस फिल्म का इंतजार भोजपुरी दर्शक काफी लंबे समय से कर रहे थे, आखिरकार वह फिल्म आज बिहार और झारखंड के बॉक्स ऑफिस पर रिलीज कर दिया गया। जी हां, आपको बता दें कि हम बात कर रहे हैं भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार पवन सिंह की फिल्म माँ तुझे सलाम के बारे में। माँ तुझे सलाम आज बिहार और झारखण्ड के बॉक्स ऑफिस पर करीब 70 से ज्यादा सेंटर पर इस फिल्म को रिलीज किया गया और सभी सेंटर पर करीब करीब जबरदस्त ओपनिंग मिली है। यानी कि एक बार फिर से सुपरस्टार पवन सिंह का जलवा बिहार और बॉक्स ऑफिस पर छाने को बिल्कुल तैयार है। माँ तुझे सलाम में सुपरस्टार पवन सिंह का बिल्कुल एक्शन पैक भोजपुरी दर्शकों को बेहद पसंद आ रहा है। खास करके सुपरस्टार पवन सिंह के कई एक्शन स्टंट ऐसे हैं जो दर्शकों को दांते तले अंगुलियां चबाने को मजबूर कर देता है। यानी कि कुल मिला के कहा जाए तो माँ तुझे सलाम में पवन सिंह का एक्शन अवतार भोजपुरी दर्शकों को बेहद ज्यादा पसंद आ रहा है। फिल्म में हम अगर अक्षरा सिंह की बात करें तो एक बार फिर से अक्षरा सिंह ने अपने जबरदस्त अभिनय से भोजपुरी दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ पवन सिंह और अक्षरा सिंह पर फिल्माया हुआ रोमांटिक गाना दर्शकों को बेहद ज्यादा पसंद आ रहा है। अगर हम मधु शर्मा की एक्टिंग की बात करें तो एक बार फिर से मधु शर्मा की एक्टिंग भोजपुरी दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करते हुए नजर आती है। माँ तुझे सलाम में सुरेंद्र पाल सिंह, एहसान खान, प्रकाश जैस, एजाज खान, सुरेंद्र कौल और मनोज टाइगर जैसे बड़े दिग्गज कलाकार सभी के अभिनय भोजपुरी दर्शकों को बेहद ज्यादा पसंद आता है। कुल मिला के कहा जाए तो माँ तुझे सलाम में वह सभी मसाला मौजूद है जो भोजपुरी दर्शकों को पसंद आती है। यानी कि एक बार फिर से माँ तुझे सलाम से सुपरस्टार पवन सिंह अपना भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर दबदबा कायम करने में सफलता हासिल कर लेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक माँ तुझे सलाम को नहीं देखा है तो आप अपने नजदीकी थिएटर में जाकर माँ तुझे सलाम जरूर देखें और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको पवन सिंह की माँ तुझे सलाम आप लोगों को कैसा लगा।